हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बैंकॉक के न्यांग प्रोविंस में हूं। यहां पर आप देख सकते हैं यहां का नज़ारा। यहां का ये काफ़ी फेमस जगह है, आप देख सकते हैं। ये अभी मैं फ्लाई ओवर पर खड़ा हूं और यहां काफ़ी अभी बारिश भी हो रही है। सो बारिश का मज़ा लेते हुए ये यहाँ का MBK। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, इस समय मैं हूँ बैंकॉक के सियाम प्रोविंस में और ये यहाँ का नज़ारा है। यहाँ का MBK सेंटर है, जो कि जिसको हम मॉल के नाम से कह सकते हैं। यहाँ का सिटी सेंटर है ये, जहाँ और ये यहाँ का नज़ारा है आपका। रात होने ही वाली है, बस आप लोगों के साथ बने रहें, इससे भी खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। ये बैंकॉक के लिए मेट्रो लाइन जा रही है, यहाँ से हम मेट्रो से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं। गाइस, अभी आपने देखा था MBK सेंटर और अब ये आपका सियाम सेंटर। यहाँ पर आमने सामने ही दोनों सेंटर बने हुए हैं। ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। गाइस, इसी बैंकॉक को और अच्छे से देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और अब चलते हैं हम आपके अपने, जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ वहाँ हम लोग अब जा रहे हैं, क्योंकि अब रात भी हो रही है और अपनी जगह पर पहुँचना रात होने से पहले अच्छा रहता है, इसलिए। तो गाइस, आप हमारे साथ बने रहें और भी हम आपको अभी बैंकॉक के नज़ारे दिखाएंगे कि बैंकॉक की लाइफ किस तरीके से चलती है और यहाँ पर क्या क्या है, किस तरीके से है। ये यहाँ का KFC है। हेलो गाइस, ये है हमारा सियाम और आप देख रहे हैं रात होने वाली है यहाँ पर। और ये यहाँ का MKB सिटी सेंटर है, सॉरी गाइस, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपके बैंकॉक के म्यांग में खड़ा हूँ। यहाँ का ये नज़ारा है, यहाँ पे ये 4 Square भी कहलाता है। यहाँ से आपको इसका, जैसे कि सिटी हार्ट सेंटर भी यही है बैंकॉक का। एक नज़ारा आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये सिटी हार्ट सेंटर ही है, इसको हम MBK सेंटर के नाम से भी जानते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं ये यहाँ का शॉपिंग मॉल है, जो कि सिटी सेंटर के नाम से जाना जाता है।
इसमें हर तरह की आपको दुकान मिल जाएंगी। ये यहाँ का कैनेडियन सॉफी हाउस है जो कि काफ़ी फेमस है। यहाँ का गाइस आप लोग व्यू देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर है। यहाँ से बैंकॉक सिटी मात्र आधे घंटे का रास्ता है और ये प्रोविंस भी बैंकॉक का ही एक हिस्सा है और काफ़ी बेहतर है। अभी आप देख सकते हैं बारिश हो रही है लगातार। ये यहाँ पर आपका मेट्रो भी जा रही है, इससे आप मेट्रो से कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। पहले 3 साल पहले शायद यहाँ पर मेट्रो नहीं थी, लेकिन अब मेट्रो भी पूरे थाईलैंड में है।